हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या भोजपुरी एंड हिंदी ब्लॉग्स में। मैं हूँ दिव्या। और ये देखिए, सामने है आपके पीले रंग का कपड़ा जिस पर लाल रंग से कढ़ाई हुई है। बहुत सुंदर सा कपड़ा है और ये मैं रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो अभी निकाली हूँ। मैं सोच रही थी कि सानवी के लिए इस कपड़े का कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ ड्रेस, और यूज भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा उसको। तो वही सब काट रही हूँ मैं बैठकर। बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्या करें, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल छोड़ना लाना, बच्चों का होमवर्क कराना, इन सब में कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और पतिदेव है नहीं, बरसात का समय चल रहा है, पतिदेव गए हुए हैं ट्रेनिंग में भुवनेश्वर, तो वही सब बिजी रहती हूँ आजकल, तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं आ पाता है। ओके, इतना व्यू क्या है इधर ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दिखा। देखो नहीं, हम ये आटा, ये मैंने स्प्रेड चीज़ है, ये स्प्रेड चीज़ डाल दिया है। और आज है छुट्टी तो बच्चों के लिए होना ही चाहिए कुछ स्पेशल नाश्ते में। हाँ मैम, का कैसे मटर से आया बाहर का पिज्जा खिलाने से अच्छा है मैम, आप घर पे गेहूं के आटे से, हाँ तो पिज्जा बना के घर पे खिला सकते हैं। हाँ मैं चीज बनाता है मत बोल, बनाओ पिज्जा बना दो, आपको अच्छा लगता है। हाँ पिज्जा बना दो। और ये है पेरी पेरी मसाला। ओके, बस स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ओके सिवाय ओके, आप पिज्जा बना दो, दूध पिज्जा ही लग रहा है। और केचप के साथ इसको खाते हैं। और केचप लगा, और देखो ये मैं इसको लॉक कर रही हूँ, तो हम इसमें बनाएंगे। ओके, ये लॉक हो गया, हो गया ना? हाँ देखो लॉक हो गया, हो गया। हाँ मैं ऐसे सावधानी से उठाना है नहीं तो फट जाएगा। ओके, और ये ऐसे डाल दिया। हाँ, और हम इसमें डाले इसको देसी घी से सेकेंगे। हाँ, ये देसी घी मैंने घर पे बनाया था। हाँ वही है, इसको हम देसी घी। मैं दूर जाऊंगा तो मेरी आँख में जल जाएगी। चीज पराठा। हाँ तो चलो अब आप लोग खा लो। ठीक है, और तो मेरी बना और मेरी और ये है दिल्ली एयरपोर्ट। पतिदेव दिल्ली एयरपोर्ट पर थे तो वहाँ से उन्होंने हमारे लिए खूब ढेर सारी शॉपिंग की है, और शॉपिंग करके क्या क्या लाए ये मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। टी शर्ट मिला है, साइज क्या है? लार्ज। बट कोई कोई था। आपको तो लार्ज नहीं होता। ये देखिए, ये पार्सल आया अभी अभी मेरा मीशो से, तो मैंने मंगाया है, देखते हैं इसमें क्या है। तुम कहाँ से? पूरा दब गया है, टूटा ना हो कुछ। ये वाली चूड़ी टूटी हुई देख रही हूँ, ये सारी चूड़ी टूटी हुई। इसमें भी टूटी हुई। तो ये तो जाएगा रिटर्न में, अब
अभी रिटर्न में जाएगा। वैसे सुंदर है पर अच्छे से पैकिंग अच्छा नहीं है, ऐसा पैक हुआ था देखिए टेढ़ा हो गया पूरा दुनिया को। और ये सब ठीक है यार, देखिए एक और ये पार्सल है। सावन आने वाला है तो मैं चूड़ी वगैरह मंगा रही थी ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं। और इसका पैकिंग भी बहुत अच्छा है और ये कार्डबोर्ड भी बहुत मजबूत है। पहला वाला तो टूट गया था और दबा हुआ था सारा। और ये चार कलर है इसमें, ये क्या कलर है, ये वाइन कलर है गोल्डन के साथ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं सारा ओपन करके दिखाती हूँ। ये ग्रीन है, ये मेरे काम आएगा सावन में। ये रेड है, रेड गोल्डन। और ये है येलो कलर। तो ये चारों तो बहुत सुंदर आया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये चारों बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए ये डार्क ग्रीन कलर है और ये वाइन कलर है, पर थोड़ा सा चेंज आ रहा है इसमें। ये येलो कलर है, ये रेड कलर है। और ये ग्लास की चूड़ी है और ऊपर वेलवेट लगा हुआ है ऐसे, देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। ये मीशो से आया था, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। पहले वाली की पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी और सब टूटा हुआ गया था, पर इसमें एक भी टूटा हुआ नहीं है, मैंने देखा है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।